गीता प्रेस अपना 100वां वसंत देखने की तरफ अग्रसर है। इस 100 वर्ष के इतिहास में गीता प्रेस ने छपाई के ट्रेडल मशीन से यात्रा प्रारंभ की और आधुनिक वेव ऑफसेट मशीन से छपाई की यात्रा तक पहुंच चुका है। प्रिंटिंग और बाइंडिंग के लिए अनेक देशी विदेशी मशीनों का प्रयोग कर रहा है। लगभग 1,45,000 वर्ग फीट में फैला प्रेस सुदूर भारत के कोने कोने में उनकी भाषा में सत साहित्य उपलब्ध करा रहा है। हम 15 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। पुस्तकों की संख्या देखी जाए तो 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें प्रकाशन में हैं। रोज लगभग 60,000 पुस्तकें गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित हो रही हैं। हम 20 शाखाओं लगभग 45 स्टेशन स्टॉलों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। पाठकों तक पुस्तकें पहुँचाने में 2500 से अधिक पुस्तक विक्रेता लगे हुए हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर चिंतन रहता है, जिस त्रुटिहीन और प्रमाणिक जानकारी पाठकों को उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ प्रेस की स्थापना हुई थी वह आज भी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सादर वंदन। एक निवेदन में आदरणीय मंच से करना चाहता हूँ। गीता प्रेस परिवार की तरफ से आपके सम्मान में उत्तरीय और पुष्पगुच्छ दिया जाना है, उसे स्वीकार करने की कृपा करें। अब मंचस्थ अतिथियों के सम्मान के क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री देवी दयाल जी अग्रवाल को। ये उत्तरीय से माननीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करेंगे। श्री देवी दयाल जी अग्रवाल राम जी जो पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान करेंगे, जो पुष्प गुच्छ देकर के देश की प्रथम महिला नागरिक देख रहा था, इसलिए श्रीमान जी भूल गया। माननीय राज्यपाल महोदया को श्री राम नारायण जी चांदक अंगवस्त्र देकर और पुष्प गुच्छ लेकर श्री नारायण प्रसाद ऐश्वर्य माननीय मुख्यमंत्री जी को यानी पूज्य श्री महाराज जी को अंगवस्त्र प्रदान करेंगे श्री परीक्षित जी अग्रवाल और पुष्प गुच्छ श्री धर्मराज जी को देगा। अब बारी है दो ग्रंथों के मोचन का। एक ग्रंथ है जो सार्वजनिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, वह है श्रीमद् भगवत गीता। ये तत्वेश्वरी टीका का उसको मंच तक आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक इस ग्रंथ को ले आने का कार्य करेंगे आशुतोष उपाध्याय। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा इसका विमोचन होना है। ये श्रीमद् भगवद गीता तत्वेदनी टीका है। इसके टीकाकार गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जयपाल जी गोविंदका हैं। ये बता दें कि अब तक गीता की कुल 16,18,85,000 से अधिक प्रतियां गीता प्रेस से प्रकाशित हो चुकी हैं। अब बारी है इस शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से छापी गई पुस्तक श्री रामचरितमानस की, जो हिंदी भाषा भाषियों का एक लोकप्रिय और सर्वमान्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आदर पूर्वक मंच तक लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के यानी पूज्य श्री महाराज जी के करकमलों द्वारा इसका विमोचन हो रहा है। ये पूरी पुस्तक 8 पेपर पर छपी है। 300 से अधिक इसमें रंगीन भगवान के लीला के चित्र दिए हुए हैं। ये पहली बार इस तरह का प्रकाशन गीता प्रेस से हुआ है और शायद ऐसा प्रकाशन अभी तक और किसी प्रकाशक के द्वारा उपलब्ध नहीं है।
देख के खुशी हो रही है कि ये रामचरितमानस की जिसका विमोचन हो रहा है वो आज महामहिम के हाथ में भी है और हमारे गवर्नर साहब के हाथ में, प्रथम लेडी जो देश की है, प्रथम नागरिक है उनके हाथ में है, हमारे दो दो ट्रस्टी है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होने के बाद एक साथ ही पहुंच गया उसको निकलवा करके और माननीय राज्यपाल महोदय को ला करके दीजिए। गुजराती की बोले, गुजराती की आ गई। हाँ, गुजराती की पुस्तकें खास रूप से आई है। हम लोग राजभवन में जब मिलने गए थे तो श्रीधरी टीका जो सर्वमान्य टीका संस्कृत की मानी जाती है भागवत रामचरितमानस, ये अब तक गीता प्रेस से 3,62,00,000 से अधिक प्रतियां हम छाप चुके हैं रामचरितमानस की। अब बिना कुछ समय गवाए प्रणाम के साथ आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री महाराज जी को, जिनके प्रतिभा प्रभाकर के प्रखर प्रकाश से पूरा प्रदेश प्रकाशित हो रहा है और देश जिससे प्रकाशित होने की प्रतीक्षा कर रहा है पूज्य श्री महाराज जी। सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का, साहित्य प्रकाशन का एक आदर्श और प्रमुख केंद्र गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करने के लिए महायोगी बाबा गोरक्षनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला सम्माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गीता प्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद कोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री वैजनाथ अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गीता प्रेस गोरखपुर के सभी ट्रस्टीगण, गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए एक गौरवशाली क्षण है जब सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का सबसे प्रमुख केंद्र जिसने विगत 100 वर्षों के अंदर 90 करोड़ से अधिक सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रकाशन करके साहित्य के माध्यम से देश और धर्म की अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय सेवा की है, आज अपने यशस्वी कालखंड के 100 वर्ष पूरा कर रहा है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम सबके सौभाग्य से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं पूरे गोरखपुर वासियों की ओर से, गीता प्रेस परिवार की ओर से और देश और दुनिया के सभी हिंदू धर्मावलंबी और सनातन धर्मावलंबियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कदाचित कोई ऐसा परिवार देश के अंदर नहीं होगा
जिसके सनातन हिंदू धर्म में विश्वास हो और उसके यहाँ गीता प्रेस से जुड़ा हुआ कोई साहित्य न हो। और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि गोरखपुर 1923 में मात्र 10 रुपये किराए के एक भवन में सरदेव जयदयाल गोयनका जी ने जिस बीज का रोपण किया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन को घर घर तक पहुंचा करके धर्म और संस्कार के साथ साथ हम अपने सत्कर्मों के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1955 में, आज से 67 वर्ष पूर्व, इस संस्था के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने और यहां का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है चित्र प्रदर्शनी का, उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विशेष रूप से यहां पर पधारे थे। और आज उत्तर प्रदेश के ही सपूत, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और शताब्दी वर्ष के समारोह का शुभारंभ भी आज राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हमारी महामहिम राज्यपाल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये प्रारंभ हो रहा है। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है, ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है और एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। सरदेव भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन गीता से होना, गीता प्रेस से होना और घर घर तक कल्याण को पहुंचा देना, अद्भुत कार्य है। उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी, उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। एक रुपये की गीता की प्रतिबिंब, गीता की जो ग्रंथ था एक रुपये में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। और आज भी साहित्य प्रकाशन का कोई विज्ञापन नहीं, कितना पवित्रता के साथ, व्याकरण की कितनी शुद्धि है। सामान्य जिन आज यहां पे दो प्रमुख ग्रंथों का विमोचन इस मंच के माध्यम से हुआ है, तत्व विवेचनी को अगर आप देखेंगे, एक एक संस्कृत के श्लोकों को कैसे उसकी विवेचना करके एक सामान्य हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसकी विवेचना कर सकता है और उसको बहुत सुगमता के साथ उसे ग्रहण करके उसको आत्मसात कर सकता है। और ये गीता प्रेस जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है और ये बहुत बड़ी सेवा थी। जब देश स्वतंत्र था तब गीता प्रेस ने 1923 में गोरखपुर में एक छोटे से मकान पर, किराए के मकान से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आज एक विशाल वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर छा करके सनातन हिंदू धर्म की एक उल्लेखनीय सेवा इस संस्था कर रही है। इस उल्लेखनीय सेवा से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने गोरखपुर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम को उस समय बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, जहां ये संस्था उस समय से प्रारंभ की, आज हम सब इस बात को जानते हैं कि गीता प्रेस का यह कार्य जिसे उस समय गोरखपुर के श्री घनश्याम दास जी जालान ने, श्री महावीर प्रसाद जी पोदार ने
गोरखपुर में प्रेस की स्थापना करने का सुझाव दिया और गोयनका जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ाव हुआ तो कल्याण जैसी पत्रिकाओं का यहां से प्रकाशन के साथ ही देश के घर घर में कल्याण पहुंचना। एक समय तो ऐसा था जब कल्याण को देखने के लिए लोग महीने भर इंतजार करते थे, डाक से ही वहां जाती थी। और उसके बाद अब तो तकनीक के माध्यम से सब कुछ सर्वसुलभ हो चुका है, सुगम हो चुका है, लेकिन उस कालखंड में भी गीता प्रेस इस कार्य को करता था। आजादी के आंदोलन में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष, और इस 75वें वर्ष में हम सबको देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम इसके साक्षी बन रहे हैं, तब गीता प्रेस अपनी स्थापना का 100वां वर्ष आयोजित कर रहा है। पूरे एक वर्ष तक गीता प्रेस अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेगा और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना गोरखपुर वासियों के लिए, गीता प्रेस के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए, गीता प्रेस के जितने भी पाठक हैं उनके लिए अत्यंत उल्लेखनीय होगा। और इस अवसर पर जब आप इस दौरान गीता प्रेस की एक लंबी यात्रा चली है, उस यात्रा में तकनीक किस किस कदर बदलती रही, कैसे उतार चढ़ाव गीता प्रेस ने देखे हैं, ये सभी चीज मुझे लगता है पाठकों के पास अवश्य आने चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं गीता प्रेस को 100 वर्षों के उल्लेखनीय सेवा के लिए अभिनंदन करता हूं, गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को हृदय से बधाई देता हूं, सभी पाठकों को भी हृदय से बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से गोरखपुर की इस धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित करेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अमृत काल के रूप में इसे मान करके अगले 25 वर्षों की, क्योंकि जब गीता प्रेस अपना 125वीं जयंती के कार्यक्रम को, स्थापना के कार्यक्रम को आयोजित करेगा, तब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा और उस समय कैसा भारत हमें चाहिए, उस सशक्त और समर्थ भारत के लिए हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। क्योंकि गीता प्रेस है तो स्वाभाविक रूप से श्रीमद भगवद गीता उस कर्म की ही हमें प्रेरणा देता है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और उस कर्म को करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ते रहे, इस विश्वास के साथ मैं गीता प्रेस की उल्लेखनीय सेवा के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए शताब्दी समारोह के लिए पूरे गीता प्रेस परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि एक वर्ष का यह कार्यक्रम अनेक प्रकार से अपने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। गोरख स्पीड से गीता प्रेस का बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और पुराने जुड़ाव के बाद मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1955 में मेरे पूज्य दादा गुरु प्रबलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, वे स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी उस समय बने थे और उस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति जी के साथ स्वयं उस कार्यक्रम में यहां उपस्थित थे। और आज मुझे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गीता प्रेस को इस पूरे उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के अवसर पर अब हम आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल को आशीर्वाद के लिए। देश के माननीय राष्ट्रपति खड़े हो जाते, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस ट्रस्ट के महासचिव श्री विष्णु प्रसाद चंद्रकोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री मंजुनाथ अग्रवाल जी, गीता प्रेस से जुड़े गीता प्रेस के सभी अधिकारी देवी और सज्जन, महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन तपस्थली गोरखपुर में स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा स्थापित इस गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गीता प्रेस उस दिव्य संकल्प की छवि है जिसने इसकी स्थापना के लिए प्रेरक शक्ति का काम किया। सन 1923 में सत्य, प्रेम और शांति के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए इस गीता प्रेस की स्थापना की गई। मैं आप सभी को शताब्दी समारोह की बधाई देती हूँ। श्री पोद्दार जी ने इस गीता प्रेस के माध्यम से जन जन तक गीता का संदेश मुख्य रूप से आदर्श जीवन जीने का मर्म समझाने का प्रयास किया है, ताकि मानव को आदर्श मानव और समाज को आदर्श समाज बनाया जा सके। सन 1923 से यह प्रेस दुनिया भर में अपने साहित्य के माध्यम से नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार कर रहा है। मानव जीवन में धर्म, कर्म और ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। ज्ञान के बारे में गीता में कहा गया है कि इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह गर्व की बात है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्रीमद भगवद गीता के साथ ही सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर उनमें आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और आत्मशक्ति की भावना सशक्त करने का सराहनीय प्रयास किया। आज गीता मुद्रा में विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था बन चुकी है। इसके साथ ही यह हिंदी आध्यात्मिक मासिक पत्रिका कल्याण और अंग्रेजी मासिक पत्रिका कल्याण कल्पतरु का प्रकाशन भी होता है। गीता प्रेस भी एक विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है जिसमें लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मुद्रणालय के माध्यम से देश दुनिया में हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों, पत्र पत्रिकाओं का विक्रय किया जा रहा है। सच तो ये है कि इस गीता प्रेस को भारत में घर घर रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता को पहुंचाने का श्रेय जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री 18 निजी थोक दुकानों के अलावा हजारों पुस्तक विक्रेताओं द्वारा देश के 42 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बने गीता प्रेस के बुक स्टॉलों के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार अगर यह देखा जाए तो गीता प्रेस लोगों को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रेस के माध्यम से आज अनेक परिवारों की आजीविका चल रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि आज यह गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। इतने लंबे सफर में इस गीता प्रेस ने अनेक उतार चढ़ाव का अनुभव किया, लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र है तो निश्चय ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव जाति के कल्याण के लिए जो महान कार्य इसने किए हैं वह प्रेरणीय है। यह गीता मुद्रणालय भविष्य में और अधिक प्रगति करे तथा इससे अधिक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण इस महत्वपूर्ण संस्था के शताब्दी समारोह के लिए निकाले। पहुंचे हैं आप जिस बुलंदी के शिखर तक,
पहुंचे हैं आप जिस बुलंदी के शिखर तक, इससे न बड़ा नाम न कोई मुकाम है। अब मैं शुभकामना संदेश के लिए आग्रह कर रहा हूं, आमंत्रित करता हूं, प्रार्थना करता हूं शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय। गीता प्रेस, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, गीता प्रेस से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये संयोग है या दैव योग है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं मैं इतना जरूर मानता हूं कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोगों, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूं। यहां पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके पश्चात मुझे लीला क्षेत्र मंदिर के भ्रमण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये कल्पना जिन चित्रों को सार्थक रूप दिया है वो किसी इंसान की नहीं हो सकती है, ये कल्पना तो किसी दैव योग से ही, जिन चित्रकारों ने भी बनाया है उसे अद्भुत। और एक गीता की पांडुलिपि का भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसको दूरबीन से दिखाया गया। मैं हैरान था, एक छोटी सी, एक लगभग 6 इंच के डायमीटर में वो पूरी गीता का समायोजित किया गया है। ऐसा कौन सा इंसान तो नहीं हो सकता, यदि यह इंसान होगा तो इंसान के रूप में उस पर भगवान की कृपा जरूर रही होगी। अभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस संसार में उसके पीछे दैवी शक्तियां होती हैं, और जब हनुमान जी का नाम आता है तो वो चाहे रामचरित मानस का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो, दोनों युद्धों में, दोनों क्षेत्रों में हनुमान जी की अपना योगदान रहा है। उनके योगदान के बिना ये दोनों कार्य पूरे नहीं हो सकते थे। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार।
देवी और सज्जनों, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गीता प्रेस भवन में मेरा कभी नहीं आना, यद्यपि गोरखपुर आने का सहयोग कई बार बना। मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की एक अवधारणा है, और अवधारणा केवल मात्र प्रेस की है कि भी एक प्रेस होगा, एक पुराना भवन होगा, सजाया गया होगा, खंडर होगा, जैसा भी होगा, उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की कभी कभी हड़तालें भी होती हैं, इनकी भी हुई थी, लेकिन उसमें भी दैव कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा कि प्रेस क्या होता है, एक प्रेस जहां पर मशीनें लगी होंगी, छपाई का काम चल रहा होगा, वहां पर उनका पुस्तकों का हो अथवा जो भी साहित्य निकलेगा उसका वितरण की क्या व्यवस्था है, बेचने की क्या व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिला कि ये गीता प्रेस नहीं है, बल्कि ये साहित्य का एक मंदिर है। ये संभव नहीं हो सकता। प्रेस को मुझे मशीनें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मशीनों को चलाते हैं या जो मशीनों को चलवाते हैं ट्रस्टी लोग, उनसे जरूर मेरी भेंट। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज देखी, और अद्भुत वो कि ये सही मायने में नाम इसका गीता प्रेस है, लेकिन सनातन धर्म को यदि इसको बचाए रखने में, यदि हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान गीता प्रेस के द्वारा प्रोडक्ट किया गया साहित्य का। आज मुझे एक और प्रसन्नता हुई, जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है तो अपने देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है, और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया बल्कि अपने से भी एक ऊंचा स्थान दिया। और इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो केवल न केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा, अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहां बिठा दिया जाता, एक ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मातृशक्ति कि जो ऊर्जा है वो हमसे भी बढ़कर है, उनको उच्च स्थान कि वो हकदार। देवी और सज्जनों, भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने प्रायः अपने अनुशासन में धर्म का भी पालन किया, और कहा तो ये जाता था कि धर्म और शासन दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज वो दृश्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ये एक व्यक्ति में ये दोनों चीजों का समाहित होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म और अनुशासन के समागम से हमारी भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और अनुपम स्वरूप उभरता रहा। इस अनुपम संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सराहा भी गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से अविरल चलती आ रही है, और भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन चुकी है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रकाशन के माध्यम से गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुंचाया। मुझे बताया गया है कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे मनसा थी
गीता का प्रचार प्रसार और जन जन में भगवत प्रेम जागृत करना। इस कार्य को आरंभ करने का श्रेय श्री जयदयाल गोयंदका जी को जाता है। श्री जयदयाल गोयंदका जी को सेठ जी के नाम से उनको पुकारा जाता था। मुझे बताया गया कि ये उपनाम उनको संबोधन हेतु स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दिया था, जो उनके सभी अनुयायियों में प्रचलित हो गया। देवी और सज्जनों, भगवत गीता में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं इस सभा में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। यम इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अविदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव ऐशति असंशयः। अर्थात अत्यंत भक्ति से जो व्यक्ति इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा कि भगवान कृष्ण का हो, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी श्लोक में आगे की पंक्तियों में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति से न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक की प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो, उस समय सुलभता से उपलब्ध नहीं थी। प्राय देखा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और यह पुनः सिद्ध हुआ जब भगवद गीता को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की इच्छा और सामान्य जनता को उपलब्ध कराने की भावना ही गीता प्रेस की स्थापना का कारण है। तदोपरांत श्री घनश्याम दास जी जाला तथा श्री महावीर प्रसाद जी ओदर ने गोरखपुर में इस प्रेस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सेठ जी ने स्वीकृति दी। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई, जिसने धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक के प्रेक्षण के कारण में एक नया इतिहास रचा। जिस जगह की नींव का उद्देश्य भगवत प्रेम और कथा का प्रचार प्रसार हो, उसका नाम गीता प्रेस रखना स्वाभाविक ही है। इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्रेम, सत्य सदाचार और सद्भावों के प्रचार हेतु मानव सेवा, सदग्रंथों इत्यादि का प्रकाशन करना। यह प्रेस भगवत गीता के अतिरिक्त रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब संपूर्ण भारत में अपने कार्य के लिए सुप्रसिद्ध हो गई। मुझे बताया गया है कि अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि में गीता प्रेस से भगवत गीता के विभिन्न संस्करणों की 1621 लाख प्रतिलिपियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम रामचरितमानस, उपनिषद आदि पुस्तकों को सम्मिलित करें तो गीता प्रेस अब तक 70 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। गीता प्रेस को हिंदू धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक होने का गौरव भी प्राप्त है। आर्थिक संकटों के दौर से उभरते हुए गीता प्रेस ने अद्वितीय प्रतिष्ठा उपलब्धि की है, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। कठिन दौर में भी जनमानस को सस्ते दाम पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मैं गीता प्रेस को साधुवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस पत्रिका कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कल्याण का प्रकाशन 1926 से लगातार हो रहा है। इस पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याण के विशेषांकों का संग्रह रही साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। कल्याण पत्रिका संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। ये भारत में अलग अलग सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका है।
यहाँ पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, ये बात सच है कि मैं कल्याण का एक साधारण पाठक हूँ। मुझे प्रति माह मिलती है और उसके लिए मैं गीता प्लस के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन आज जब मैं लीला चित्र मंदिर का भ्रमण किया और पूरे प्रांगण को देखा तो मुझे एक अनुभव हुआ कि आज की यात्रा मेरी अधूरी है। अभी मुझे एक बार और आना है, कब आना है ये संयोग दैव संयोग कब होगा, लेकिन मेरे मन की इच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इच्छा ये जल्द से जल्द पूरी हो। देवी और सज्जनों, कल्याण पत्रिका जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का लेख प्रकाशित करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अपने प्रथम अंक में प्रकाशित इस लेख में गांधी जी ने लिखा था कि मनुष्य का धर्म है ईश्वर के निकट ले जाने वाली सर्व शक्तियों का विकास करना और तमाम प्रतिकूल शक्तियों का त्याग कर देना, यही उसका दोहरा धर्म है। गीता प्रेस अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से इसी लक्ष्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उनके प्रयास के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ है। देवी और सज्जनों, में एक बात का और भी उल्लेख करना चाहूंगा, गीता प्रेस के लगभग 1850 वर्तमान प्रकाशनों में करीब 760 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी के, परंतु शेष प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी, जिनमें गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमिया, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी भी शामिल है। इस बात से एक और पहलू उजागर होता है और वो है हमारी भारतीय संस्कृति का अनेकता में एकता का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार पूर्व से लेकर पश्चिम से, पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ही। यदि रामायण हिंदी में लोकप्रिय है तो तमिल और गुजराती में भी उतनी ही प्रसिद्धि एवं मान्य है। सामासिक संस्कृति का इससे बेहतर उदाहरण मिलना कठिन होगा, जहां एक ही कथा एवं विचारधारा अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो और मान्य भी। इसी प्रकार गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार भी हमारे देश की विभिन्नता और एकता को दर्शाता है। ये द्वार भारत की विभिन्न कलाओं एवं शैलियों का समागम है। कला के अतिरिक्त इस द्वार में भारतीय संस्कृति एवं धर्म की गौरवमय गाथा भी निहित है। इस द्वार का उद्घाटन सन 1955 में, जैसा बताया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। हमारी संस्कृति का प्रतीक यह द्वार आज एक दर्शनीय स्थल भी बन गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार का आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा, वो ये है कि गीता प्रेस ने अपनी शाखाएं अब भारत की सीमाओं से बाहर भी स्थापित करने की योजना बनाई। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में गीता प्रेस ने अपनी शाखा आरंभ करके अपनी पहुंच को एक नई दिशा दी। मुझे बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें एवं प्रकाशन अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आशा करता हूं कि गीता प्रेस की शाखाएं विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भी स्थापित होंगी और पूरा विश्व भारत की संस्कृति और दर्शन से लाभान्वित होगा। मैं एक अपना अनुभव भी आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि मैं जब विदेश यात्रा पर, राजकीय यात्रा होती है, तो वहां पर मैं इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करता हूं, उनसे मिलता हूं और उनसे बातचीत के माध्यम से ये सारी जानकारियां कि उनमें कितनी लालसा है, कितनी उत्सुकता है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की, हमारे संस्कारों की, हमारे विचारों की, हमारी परंपराओं
और उन सबका एक गीता प्रेस का साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और मैं चाहूंगा कि मेरा सेक्रेटरी भी आपको इसमें मदद करेगा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनके जितने भी हमारे मिशंस है, एम्बेसीज है, हाई कमिश्नर्स ऑफिस है, उनमें भी आपके साथ में एक इंटरेक्शन करवा करके आपके साहित्य को अधिक से अधिक हमारे इंडियन डायस्पोरा के साथ। अंत में एक बार फिर मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के आरंभ होने की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इस संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाए।